तो मैं उनके लिए अपने दिल से कुछ बोलना चाहती हूँ। ये बहुत ही अच्छा एक मौका था उनके लिए बोलना, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 10 अप्रैल। सो आज मेरी सासू माँ का बर्थडे है। सो उनको मैंने कल रात को 12 बजे ही विश कर दिया था। तो आप लोग सब मेरे को बोल रहे थे कि अपनी सासू माँ को वीडियो कॉल में दिखाओ दिखाओ, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। तो अभी मैं अपने फ़ोन से वीडियो कॉल करूँगी तो रिकॉर्ड पता नहीं कौन से फ़ोन से करूँगी, तो 2 फ़ोन होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा अभी नीरज आएंगे तो मैं मम्मी को वीडियो कॉल करूँगी, फिर हम दोनों साथ में विश भी करेंगे। वैसे तो नीरज ने भी विश कर दिया, मैंने भी विश कर दिया है, वीडियो में भी विश करेंगे एंड उसके बाद आप लोगों को वीडियो कॉल में दिखाएंगे भी मम्मी को। सो अब मैं जा रही हूँ, मतलब कहीं जा नहीं रही, मतलब मैं बेडशीट चेंज करने लगी हूँ। सो 2-3 दिन हो गया इसको बिछा हुए, सो मैंने सोचा कि इसको चेंज कर देते हैं। एंड मैं कल नया बेडशीट भी लेके आई थी, तो मैंने वहाँ पे 3 बेडशीट दिखाया था वीडियो में। एंड मैंने बोला था कि कमेंट में बताना मैंने कौन सा लिया है, तो बहुत सारे लोगों ने सही बताया था, मैंने लास्ट वाला ब्लू वाला लिया था। तो अभी मैं वही बेडशीट चेंज करूँगी इसमें एंड उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो खाने में आज मैं सिंपल साधारण सा बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने पुलाव नहीं खाया है, मेरे को इतना खाने का मन कर रहा है। पहले मेरी मम्मी और मैं बहुत पुलाव खाया करते थे। तो यस, एंड आज मेरी सासू माँ का बर्थडे है, पर मेरा ये जो वीडियो आ जाएगा वो कल जाएगा, तो मतलब मेरी सासू माँ का बर्थडे जा चुका होगा तब तक। पर फिर भी आप मेरी सासू माँ को विश देना, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करना उनके लिए एंड उनको ढेर सारा प्यार देना एंड आपका आशीर्वाद भी देना उनको, कि ताकि वो और खुश और खुश और खुश रहे। एंड यस, तो मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ एंड बेडशीट चेंज करने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है जो मैंने नया बेडशीट लिया है वो। तो यस, चेंज करते फिर उसके बाद चेंज। बिछा दिया है एंड मैं बना रही थी आज पुलाव, तो उसके लिए मैंने सब कुछ सामान रेडी कर लिया था, बट मटर नहीं था तो नीरज को मैंने मंगाया था, तो जस्ट नीरज आए हैं सो मटर भी लेके आ चुके हैं। तो मैंने आलू तो काट दिया था, मटर छीलती हूँ फिर उसके बाद बनाती हूँ पुलाव। तो गाइस, काफ़ी टाइम बाद मैं आज पुलाव बना रही थी, मतलब काफ़ी 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 टाइम बाद। तो मुझे था कि कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा कि नहीं, क्यों पता मैं भूल गई होंगी कि मतलब टेस्ट वैसा होगा कि नहीं, मेरे को अजीब सा लग रहा था। बट जब हमने ये पुलाव खाया, इतना टेस्टी था ना, इतना टेस्टी, मतलब मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, वैसे तो तारीफ़ कर ही रही हूँ, बट आप इस रेसिपी की तरह से बनाना तो आपको इतना अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी रहता है। तो मैंने यहाँ पे देसी घी डाल के बनाया, क्योंकि मेरे को था कि चलो आज मैं देसी घी डालती हूँ। सो मैंने यहाँ पर घी डाला, फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला ये जीरा। सो जीरा को थोड़ा सा तड़का लगाने के बाद, उसके बाद मैंने इसमें डाले प्याज बारीक कटा हुआ, छोटे छोटे मैंने कट किए। सो मैं यूजुअली ना, मतलब ज़्यादातर ऐसे ही छोटे छोटे प्याज कट करके डालती हूँ, क्योंकि मेरे को छोटे प्याज कट करके ही डालने में अच्छा लगता है। सो उसके बाद इसको डालने का थोड़ी देर मैंने इसको चलाया, तो मेरा प्याज थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया टमाटर, सो टमाटर को भी मैंने ऐसे छोटे छोटे कट कर दिए हैं। सो टमाटर को डाला, फिर टमाटर को भी थोड़ी देर ऐसे मिक्स किया, तो मैंने टमाटर को ज़्यादा पकाया नहीं, मतलब ज़्यादा गलाया नहीं। तो उसके बाद मैंने ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट, ये उसके बाद मैंने इसको डाल के फिर थोड़ी देर मिक्स करके इसको थोड़ी देर फिर वैसे छोड़ दिया। फिर उसके बाद इसमें मैंने डाला नमक और हल्दी। वैसे तो पहले मैं जब बनाती थी तो सिर्फ नमक एंड हल्दी ही डालती थी, बट आज मैंने नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च एंड क्या बोलते हैं चिकन मसाला और फिर गरम मसाला सब मैंने ऐड कर दिया, ताकि थोड़ा अच्छा टेस्ट आया एंड उससे बहुत अच्छा टेस्ट आया भी था। तो सारे मसालों को ऐड करने के बाद फिर मैंने उसको अच्छे से पूरे अच्छे तरीके से मिक्स किया, फिर इसको मैंने थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसमें सोचा कि चलो 1-2 चम्मच पानी ऐड कर देते, फिर 2-3 चम्मच मैंने इसे पानी ऐड किया ताकि टमाटर थोड़ा सा गल जाए। फिर उसके बाद जो मैंने मटर छीले थे एंड आलू काटे थे, सो मैं उसको ऐड करूँगी, बट वैसे इसमें और भी सब्जियाँ डलती होंगी शायद, बट मेरे को सिर्फ ये मटर आलू ही पसंद है तो मैंने सिर्फ ये डाला। नीरज तो बोल रहे थे गोभी भी डाल दो, बट मैंने सोचा कि गोभी क्या डालना, ये दो डाल के ही बनाया था। सो ये मटर आलू को आपको पूरी अच्छी तरीके से नहीं पकाना है, इसको ऐसे थोड़ी देर, मतलब 1-2 मिनट तक ऐसे छोड़ना है। उसके बाद ऐड करना है चावल। सो ये चावल को मैंने धो के अच्छे से साफ करके रखा है, सो मैं चावल ऐड करूँगी इसके बाद एंड उसको सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकने देना है एंड उसके बाद आपको ऐड करना है इसमें पानी। सो जैसे आपकी मर्जी है, जैसा आपका चावल है उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है इसमें। तो मेरा ये चावल का ही बाउल था जिसमें थोड़े थोड़े चावल भी रह गए थे, तो मैंने सोचा चलो इसमें पानी डाल देती हूँ ताकि वो बचा हुआ चावल भी इसमें डल जाए। तो मैंने सब पानी इसमें अच्छे से ऐड कर दिया। तो मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है, सो अभी मैं इसमें लगा रही हूँ ढक्कन एंड इसमें लगाएंगे सीटी। उसके बाद दैट्स इट, पक जाएगा आपका पुलाव। सो मैं बनने के बाद दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, पुलाव रेडी है बनके, जैसे कि आप देख सकते हैं।
सो मेरे साथ हमेशा ऐसा हो जाता है कि मेरा मटर ऊपर ऊपर रह जाता है, पता नहीं क्यों। आप लोग के साथ होता है कि नहीं, मेरे को बताना। तो अभी हम खाते हैं। वैसे बन तो गया है और मैंने इसके साथ बनाई है ये चटनी, तो खाते हैं। तो लंच की तैयारी चल चुकी है, तो आज हम लोग टेबल में बैठ के खा रहे हैं। आज हम खा रहे हैं वेज पुलाव। यस यस, टेस्ट करके बताओ। बिल्कुल वेज पुलाव विद एक्स्ट्रा घी। वैसे मैंने घी में डाल के बनाया, बट नीरज को ऊपर से डालना था, मेरे को भी डाल देना थोड़ा सा इधर। ये हमारे हिमाचल का घी है, प्योर हिमाचल का। साथ में ये भी है स्पेशल सलाद, और मैंने ये बनाई थी तिमूर की चटनी। तो खा के बताइए टेस्ट इसमें है कैसा। दिखने में तो अच्छा है बहुत, खाने में भी अच्छा हो। अच्छा चटनी भी है ना। यस, पहले विद चटनी एंड फिर नहीं विदाउट चटनी, फिर विद चटनी। चटनी ठीक है, एकदम पुलाव के जैसा, जैसे पुलाव बोलते हैं ना वैसे ही है। ओके, तो यस खाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं मम्मी को वीडियो कॉल, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे मम्मी को देखना है, तो नीरज के फोन से हम वीडियो कॉल करेंगे और मेरे फोन से रिकॉर्ड। हेलो हेलो, आपको सब मिस कर रहे हैं व्लॉग में। अच्छा खाना का थैंक यू थैंक यू। बार बार दिन ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सासू माँ। थैंक यू वेरी मच। सभी गाइस को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वही आपको सब मिस कर रहे थे, बोले थे आपकी सासू माँ को दिखाओ वीडियो कॉल में दिखाओ। हाँ, वो तो मैंने पहले पढ़ लिया था, वो क्या नाम, आज नहीं पढ़ा। अच्छा, आज का नहीं, मैंने आज का नहीं पढ़ा। वो जब गिफ्ट दिया था ना अपने मोबाइल, हाँ हाँ, वो तभी तभी बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। मैं लोग मेरे को तो एडवांस में बोल दिया उन्होंने पहले ही। अभी इसका इस वीडियो में भी आएगा आपके लिए फिर हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, पहले थैंक यू बोल दो सबको। अच्छा ठीक है ठीक है। क्या आज क्या प्लान है फिर बर्थडे का, जा रहे हो कि नहीं दोनों हस्बैंड वाइफ डिनर पे? नमस्ते पापा। मैं ना अभी पापा को बोल ही रही थी, कि मैंने कहा अभी वर्षा ने हमारी क्लास लगा देनी है, केक काटा की नहीं है। वही तो, केक काटा पापा, केक लाए कि नहीं लाए? केक आएगा 3 बजे के बाद 4 बजे करीब। अच्छा फिर केक कटो, काट का जो भी केक कटेगा कुछ भी रहेगा फोटो भेजना फिर। ओके मोबाइल से बना करके वीडियो भेज देंगे छोटा क्लिप। ओके फिर डिनर पे कहाँ ले जा रहे हो मम्मी को? हाँ डिनर में भी जा रहे हैं हम। अच्छा अरे वाह भाई, फोटो भेज देना चलो हमको, और तो क्या। इसलिए हमने दिन का खाना पहले ही जल्दी खा लिया। अच्छा अब हम शाम को रात को बाहर ही जाएंगे। गला खराब है, देखते बाहर खाएंगे या इधर बना सूप वगैरह पी लेना। चलो जो भी रहेगा फोटो भेज दे। पापा को याद था कि नहीं था? पापा आपको बर्थडे याद था? हाँ पता नहीं, अब राम जाने, अब जब आपने फोन किया तब किया पापा ने। फोन सुनो, हाँ जी तनु का रात को 2:30 बजे फोन आया सऊदी अरब से। अच्छा तो बोलते मम्मी हैप्पी बर्थडे, उसने वीडियो कॉल किया, मैंने कहा है 2:30 बज रहे हैं। अरे मम्मी अच्छा, मैं तो यहाँ 12, अभी तो यहाँ 12 बज रहे हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। जितने भी है ना जिन्होंने मेरे को मिस किया, आपके ब्लॉग आपका ब्लॉग देखकर, उन सबको मेरा धन्यवाद और प्यार आशीर्वाद। अच्छा अच्छा, पापा को भी मिस किया है बहुत, पापा मम्मी दोनों को। ओके तो हम भी कोशिश में है कि कब ब्लॉग जारी करें और आप लोगों को सब्सक्राइब दें। आपका ब्लॉग कब आ रहा है? देखते हैं कब तक सरप्राइज दूंगा। तो ब्लॉग का नाम इस फर्स्ट सरप्राइज होगा। चैनल का नाम क्या सोचा है, चैनल का नाम क्या रखना है? मैं बताऊं, नीरसा। चैनल का नाम भी मैंने सोच लिया, अलग ही होगा।
क्या सोचा है, नाम तो बता दो एक बार चैनल का, क्या सोचा है चैनल का? हाँ अंकल आंटी ब्लॉग। किसी दूसरे उसके में बिल्कुल नहीं हो पाएगा, कोई भी जो है कंफ्यूजन नहीं रहेगी, यूट्यूब को भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ वो सीधा अंकल आंटी का ब्लॉग है तो फटाफट मेरे चैनल को कर देगा। Oh my God. अच्छा बना नहीं है लेकिन प्लानिंग पहले से। अच्छा बाय कर दिनो, बाय इसमें बाय कर दिनो ब्लॉग में, बाय हाय बाय। तो गाइस दिन में वीडियो कॉल करने के बाद मैं मस्त सो गई थी, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा सासू माँ और ससुर जी को देख के, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे उनको। एंड आज जैसे कि मेरी सासू माँ का बर्थडे है, सो मैं उनके लिए अपने दिल से कुछ बोलना चाहती हूँ। बट ऐसे मेरे को फोन में ना थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि वीडियो के दौरान मैं उनको बोलूँ। अगर आपको नहीं देखना है कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ तो आप स्किप कर सकते हैं, बट मेरी जो दिली इच्छा है वो चीज़ मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ। तो गाइज जब मेरी शादी तय हो रही थी तो मेरे को इतना टेंशन था कि मतलब मेरी सास कैसी होगी, मतलब मैं जिस घर में जाऊँगी वो कैसा होगा, क्या रहेगा। क्योंकि एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी दिक्कत एंड सबसे बड़ा डर ये रहता है कि मेरी सास कैसी होगी, मतलब स्ट्रिक्ट ना हो या डांटे ना, या कैसा उनका बिहेव होगा, कैसा उनको ट्रीट करेंगे, मतलब कैसा रहेगा। क्योंकि बोलते हैं ना बेटी बेटी होती है बहू बहू होती है, ऐसा बोलते हैं। बट मैं इतना लकी फील करती हूँ गाइज। अब कोई कोई लोग होंगे वो बोलेंगे कि हाँ स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है, अब वो स्टार्टिंग में होता है ना हो, इन फ्यूचर में बेकार हो कुछ भी हो वो बात की बात है। पर जैसा अभी प्रेजेंट में मैं उनके साथ हूँ, जैसा मेरे को उनके लिए फील हो रहा है, तो वो तो मैं बोल सकती हूँ। तो पहले तो बात तो उन्होंने मेरे को बहू एज अ बहू माना ही नहीं है, उन्होंने मेरे को बेटी माना है कि हाँ ये भी मेरी बेटी है। तो कभी भी मम्मी मेरे को ऐसे बहू करके नहीं बुलाते, पापा भी मेरे को बहू करके नहीं बुलाते, दोनों मेरे को वर्षा, पापा तो मेरे को पुत्र माय सन ऐसे ऐसे करके बुलाते, पापा तो अलग ही बहुत प्यारे प्यारे नाम से बुलाते, मम्मी सिर्फ मेरे को वर्षा बोलती, ऐसा नहीं बोलती बहू इधर आओ। क्योंकि होते हैं ना जैसे सास बहू में हो जाता है कि बहू आओ तुम, मतलब बहू इधर आओ ऐसा होता है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार, मतलब इतना लकी फील करती हूँ कि इतने प्यार करने वाले फैमिली मिले हैं। और मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि मैं एक फैमिली से दूसरी फैमिली में गई हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरी फैमिली है, अपनी फैमिली है। तो मेरे को इतना अलग सा फील नहीं होता, जैसे वो मेरे को बहू नहीं मानते बेटी मानते, तो वैसे ही मैं उनको सास ससुर भी नहीं मानती, मैं उनको मम्मी पापा ही मानती हूँ, अपने ही मम्मी पापा। अब ये मतलब ऐसे मैं वीडियो में बोलने के लिए सास ससुर है ऐसा बोल देती हूँ या लिख देती हूँ टाइटल में, बट मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि दोनों मम्मियों में कन्फ्यूजन ना हो, मेरे मायके वाले और ससुराल वाले मम्मियों में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं सासू माँ ऐसे से मैंशन करती हूँ। बट मैं उनको दिल से मम्मी पापा मानती हूँ, मतलब मैं इतना लकी फील करती हूँ। कभी कभी मुझे नहीं यकीन भी नहीं होता सच में अपने आप में कि मतलब इतनी अच्छी फैमिली मुझे मिली है, इतना अच्छा पति मिला है, मतलब इतना सपोर्टिव, मतलब जितना मेरी सासू माँ ने मेरे को सपोर्ट किया है ना, इतना मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता होगा। क्योंकि मतलब इतना सपोर्ट करना, मैंने जितना मैं उनके साथ रही हूँ अभी यहाँ पलटन आने से पहले, जितना टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया है, जो चीज़ मैंने नोटिस किया है, सबसे पहले तो जैसे मैं कुछ खाना बनाती थी तो कभी कुछ चीज़ गलत बन जाता था, जैसे सब्जी कभी नमक तेज हो गया, या तो कभी पूड़ी नहीं फूली या रोटी नहीं फूला या कुछ नहीं हुआ, ऐसा गलत बन गया, तो मैं बोलती थी हाय मम्मी, मैं ना अजीब सा हो जाता, मेरा मुँह डीमोटिवेट हो जाती थी, मैं अपने आप को डीमोटिवेट करती थी कि यार मम्मी मैंने नहीं बनाया, नहीं बना पाई, मतलब अच्छा नहीं बना। तो मैं बोलती अरे इतना अच्छा बनाया, इतना ऐसी तो बनता ही है, ऐसी तो होता है, मतलब हमेशा मोटिवेट करना एंड वीडियोस को लेकर सपोर्ट करना। जैसे मैं कब बोलती हूँ मेरे को आज शूट करना है, एंड मैं रात भर शूट करती हूँ, रात भर एडिट करती हूँ, एंड सुबह नहीं उठ पाती हूँ, तो वो भी समझते हैं कि हाँ चलो सुबह नहीं उठ रहे, तो उठाते भी नहीं है कि हाँ तुम उठ जाओ वर्षा, काम करो ये करो। जैसे खाना का, दिन का खाना भी तुम बनाओ, तुम्हें बनाना है, तुम बहू हो क्या है, मतलब ऐसा उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कि उनका है कि मिलजुल के करना है सबने, तो वो इतना अच्छा लगता है। एंड मेरी मम्मी जो मेरे मायके वाले मम्मी पापा है, उनको भी बहुत अच्छा फील होता होगा कि हमने मतलब इतने अच्छे घर पे बेटी दी है, तो उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती होगी, मेरी तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेते होंगे कि मेरी बेटी क्या कर रही है, किस हालत में होगी, कैसा होगा, कैसा उसके साथ चल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को जो मेरे सास ससुर है वो बहुत प्यार करते हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि मैं कुछ भी कर लेती तो मेरे को इतने अच्छे सास ससुर इतना अच्छा पति नहीं मिलता, मतलब ऐसा लगता है कि मुझे पास्ट में अच्छा हुआ मैंने किसी को ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया,
डायरेक्ट नीरज मेरे को मिले हैं, नीरज के मेरे लाइफ में आए हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है, इतना लक्की फील करती हूँ। और मेरे सासू माँ और मेरा बॉन्ड तो ऐसा है ना, सास बहू तो छोड़ो, मम्मी बेटी का भी छोड़ो, हम लोग का एकदम ऐसा फ्रेंड वाला है। हम लोग जब भी वीडियो कॉल में बात करते हैं या नॉर्मल में बात करते हैं, हम ऐसा बात करते हैं जैसे दो फ्रेंड बात करेंगे। आप लोग हम दोनों को बात करते हैं, कभी लाइव सुनोगे ना, आपको लगेगा भी नहीं कि ये सास बहू है, आपको लगेगा ये दोनों दोस्त है क्या, इतनी फ्रेंक होकर बात करते हैं हम। और मैंने सबसे अच्छा एक चीज़ नोटिस किया है जो मम्मी में, और मैंने मैंने बहुत बार ये चीज़ नोटिस किया है, जैसे कोई भी होता है मेरे को आके अगर सुनाए, जैसे कोई चीज़ मेरे को कोई चीज़ बोले कि वर्षा तुम्हें ये नहीं आता, तुमने ये नहीं किया, तुमसे ये नहीं होता, ऐसे ऐसे कोई मेरे को डीमोटिवेट करता है, मेरे को मतलब थोड़ा नीचा दिखाएंगे ऐसे कोई मेरे को मम्मी के सामने अगर, तो मैं मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं मुझे आता है नहीं, मैं मतलब मेरा पक्ष लेने का ज़रूरत ही नहीं है। उससे मेरे बोलने से पहले ही मेरी मम्मी बोल देती है कि उसको आता है, उसको ये, इतना सपोर्ट मेरे को उस टाइम इतना अच्छा लगता है ना कि यार बहुत अच्छा फील होता है। सो आप काफ़ी सारे लोग ये भी बोलेंगे कि इतना अच्छे सास मिली है, बर्थडे है तो गिफ्ट क्यों नहीं दिया, तो क्योंकि कोई कोई लोग होंगे जो मेरे एक दो वीडियो नहीं देखते होंगे या बीच बीच का वीडियो नहीं देखते होंगे जो मैं अपलोड करती हूँ, बट मैंने अपने सास को प्री बर्थडे गिफ्ट मैंने दे दिया था, वो मैंने अपने चैनल पर डाला है, वो भी आप देख सकते हैं। ये मैंने मैंशन इसलिए किया क्योंकि कोई कोई लोग होते हैं जो ऐसे कमेंट कर देते हैं, तो इसलिए मैंने मैंशन किया है। बट मुझे ये चीज़ मेरे को दिल से बोलना था अपनी सासू माँ के लिए, तो मैंने इसलिए बोला वीडियो के दौरान, ताकि वो भी देख सके, एंड जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता चले कि हाँ मेरी सास कितनी अच्छी है। ऐसा नहीं कि उनको अच्छा दिखाने के लिए मैं बोल रही हूँ, जो जेन्युइन है मेरे को लगता है वो चीज़ मैंने तारीफ की है, वो चीज़ मैंने बोला है, एंड ये बहुत ही अच्छा एक मौका था उनके लिए बोलना क्योंकि आज उनका जन्मदिन है इसलिए। तो यस, ऐसे ही आप मेरे को अपनी बेटी जैसा प्यार करते रहिए, मैं तो आपको अपनी माँ जैसा ही प्यार करती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, एंड यस हम दोनों की जो जोड़ी है ऐसी ही रहे लाइफ टाइम आगे भी, और आगे भी हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करें, ऐसे ही प्यार देते रहे, हम दोनों के बीच में किसी की नज़र ना लगे, कोई बीच में ना आए, बस हम दोनों ही एक दूसरे में ऐसे जुड़े रहे कि बस कोई अलग ही ना कर पाए, बस ये है। तो मैं सच में बहुत लकी फील करती हूँ गाइस कि इतनी अच्छी फैमिली मिली है मुझे, ब्लेस्ड फील करती हूँ बहुत ज़्यादा, टच वुड मेरी ही नज़र ना लग जाए मुझे, बट बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, लव यू सो मच मेरी सासू माँ को, एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारा किस। तो यस गाइस, ये मेरी सासू माँ के लिए मैसेज था। और मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जैसे मेरे को कोई सब्सक्राइबर्स वगैरह मिलते हैं ना, वो मेरी तारीफ तो करते हैं कि आपके वीडियोस हम देखते हैं, आपके वीडियोस हमें बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मेरे सास की भी तारीफ करते हैं, आपकी सास बहुत अच्छी है यार, आपके साथ बहुत सपोर्टिव है, कितनी अच्छी सास है, कितनी अच्छी सास मिले, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, एकदम ऐसा प्राउड फील होता है, फिर मैं ऐसे सीना चौड़ा करके यस यार मेरी सास है भाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यस सासू माँ जी, आई लव यू सो मच, ढेर सारा प्यार। सो यस, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू हर्षा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी भाजी। गाइस ये मैं हूँ, ये मेरी सास है, और हम क्या कर रहे हैं, रॉक ऐसे क्या हो बताओ, रॉक। गाइस ये मैं हूँ, ये मेरी सास है, बोलो ये मेरी बहू है, ये मेरी बहू है, तो सबको मालूम हो गया है। और अभी हम पानी में नारा 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 नारा।